पहला है तेरी अनमानी, तेरी अनमानी आप अर्थात आप कर्म करते हुए देन का आधार रहते हुए लेकिन देन के अनुमान से परे तेरी अनुमान तेरी आत्मा है देह में कर्म कर रही है देह के द्वारा लेकिन भान देही का कि मैं आत्मा इन कर्मियों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं। और जब ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी तो बढ़ते बढ़ते लास्ट स्टेज आ जाएगी कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, शरीर अलग मैं आत्मा अलग। लेकिन पहली प्रैक्टिस है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये है शरीर से न्यारे बनने का प्रसार कमल और मैं आत्मा इन कर्मियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये है उपरांत स्थिति का उदाहरण बाबा एग्जाम्पल देता है। जैसे सब्जी बनाते हलवा बनाते तो जब बनाते हो तो बर्तन में चिपकता और बार बार छुड़ाते चिपकता है छुड़ाते, इसको कहा जाता है न्यारे बनने का प्रसार करते, क्योंकि बर्तन में है कि बर्तन से न्यारा नहीं है, न्यारे बनने का प्रसार कर रहे कमल का। और जब आप छुड़ाते छुड़ाते जब वो पक जाता है तो बर्तन को छोड़ देता है, बर्तन ही लेकिन बर्तन से अलग है, ऐसे पलटो तो ऐसा पलट जाए, ये अभ्यास नाश होता है। ये अभ्यास करते करते आप समान की स्थिति को प्राप्त करें, यही स्थिति बाबा कहता है साक्षी और साथी, सबसे साक्षी देह से भी साक्षी और बाबा के साथी, बस मैं आत्मा मेरा बाबा मैं आत्मा मेरा है, ऐसे निरंतर योग।